पास जो है दो ऐसी कार्स हैं, जो पहली कार है वो है टाटा की सफारी और जो दूसरी कार रहने वाली है वो है महिंद्रा की थार। दोनों ही कार्स की जो है काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं लोगों को इन दोनों कार्स के बीच में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो वो सारी कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। सबसे पहले जो है हम टाटा सफारी की बात करते हैं। टाटा सफारी को एकदम नया प्लेटफॉर्म दिया गया है। बीच में सफारी को जो है टाटा कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसी के साथ महिंद्रा थार को भी एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोनों ही कार्स जो है इनके नए मॉडल आ चुके हैं। अगर हम प्राइस रेंज की बात करते हैं तो जरूर आपको सफारी थार से महंगी मिलने वाली है। तो अगर सफारी प्राइस रेंज की अगर मैं आपको बताऊं तो 14.69 लाख रुपीज से लेकर 21.45 लाख रुपीज तक इस कार का जो है वो ये एक्सटेंड शोरूम प्राइस है। इसी के साथ जो टाटा सफारी है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर टाटा हैरियर से लुक वाइज से मिलने वाली है। आपको एक बारी को यही लगेगा कि ये टाटा हैरियर ही है इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी, बट जो टाटा सफारी है वो रियर से चेंज है हैरियर से। उसी के साथ आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, काफी वाइट ग्रिल देखने को मिल जाएगी, क्रोम का काम काफी ज्यादा देखने को आपको इस कार के अंदर मिलने वाला है। 1956 सीसी का इस कार के अंदर इंजन आता है। अलॉय व्हील्स की डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा यूनिक आपको देखने को मिल जाती है। 167.62 bhp की ये कार पावर प्रोड्यूस करती है। 7 सीटिंग कैपेसिटी इस कार की रहने वाली है और काफी ही ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसकी प्रीमियमनेस के हिसाब से थार के साथ, तो आपको जरूर टाटा सफारी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। इंटीरियर की अगर हम बात करेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रीमियमनेस इस कार के अंदर दिखने वाली है। वहीं थार की अगर हम बात करेंगे तो थार जो एक प्रॉपर ऑफ रोडर है तो उसका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और आपको क्रोम का काम जो है इस कार में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके ORVs पर भी आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, आपको पूरा क्रोम का काम इस कार में काफी ज्यादा किया गया है। इसी के साथ जो टाटा सफारी है वो सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ आती है वो कि 1956 का है और 7 सीटिंग कैपेसिटी जैसे मैंने आप लोगों को बताया। व्हील बेस जो है इस कार का 2741 mm का इसका व्हील बेस है और काफी ज्यादा स्पेशियस कार है। स्पेस वाइज आपको काफी एक अच्छी चीज इसमें मिल जाएगी, स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। वहीं अगर हम इसका जो इंटीरियर की बात करते हैं तो आपको ड्यूअल टोन में जो है इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज मैं कहूंगा कि टाटा सफारी के इंटीरियर में किया गया है। काफी लग्जरी फीलिंग और काफी प्रीमियम फीलिंग आपको इस कार से जरूर आने वाली है। एलईडी टेल लैंप्स जो है आपको टाटा सफारी में देखने को मिल जाते हैं। 50 लीटर का जो है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वहीं आपको अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टाटा की बैजिंग मिल जाएगी, सफारी लिखा हुआ मिल जाएगा और बोर्ड स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इतनी बोर्ड स्पेस भी आपको मिल जाती है और काफी कम है बोर्ड वैसे तो, बट आप जो इसकी रियर रो है उसको इन सीट्स को आप फोल्ड करके आप एक अच्छा खासा बूट स्पेस इसमें बना सकते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी है। बट अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो सिर्फ आपको 73 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है और अगर हम इन सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो काफी ज्यादा स्पेस इस कार में एक निकल कर आता है। तो ये चीज आप इजिली अगर आप कहीं ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो इन सीट्स को फोल्ड करके आप इजिली अपना सामान जो है कैरी कर सकते हैं, इस चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर आपको जो इसके टूल्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाएंगे। रियर बूट में भी इसमें लाइट प्रोवाइड की गई है। यहां पर जो है आपको एक मैनुअल ही इसका पूरा बंद करना पड़ेगा, कोई ऑटोमेटिक चीज इसमें नहीं दी गई है। यहां पर आपको जो है इसमें पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। रियर में पार्किंग सेंसर, डिफॉगर, वाइपर, सारे फीचर्स आपको इस कार के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। लुक वाइज अगर हम बात करते हैं इस कार की तो काफी ज्यादा मस्कुलर लुक आपको इस कार की मिलने वाली है। पार्किंग सेंसर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, नीचे भी आपको लाइट मिल जाती है रियर में। उसी के साथ क्रोम का काम काफी ज्यादा है। 50 लीटर का जो है आपको इस कार में फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको वहां पर सफारी लिखा हुआ मिल जाएगा और एलईडी टेल लैंप्स का पूरा सेटअप है, तो काफी शानदार इस कार को बनाया गया है। लुक वाइज कोई कमी नहीं है। पावर वाइज अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छी खासी पावर ये कार जनरेट करती है। उसी के साथ स्पेशियस कार है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है टाटा सफारी। इसी के साथ ड्यूअल टोन में जो है इस कार का इंटीरियर है जैसा कि आप देख सकते हैं और सनरूफ का ऑप्शन भी आपको इस कार में मिल जाता है। स्पेस वाइज काफी अच्छी है। रियर में आपको एसी वेंट्स इस कार में देखने को मिल जाएंगे। चारों ही ब्रेक्स में जो है आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। कीलेस एंट्री का आपको इस कार के अंदर ऑप्शन मिल जाता है और कुछ ऐसा दिखता है टाटा सफारी का डैशबोर्ड। काफी ज्यादा प्रीमियम फील आपको इस कार से जरूर आने वाली है। ड्यूअल टोन में इसका इंटीरियर है। यहीं पर आपको ऑटो फोल्डिंग जो है इसमें ORVs देखने को मिल जाएंगे और जब आप अंदर इसके बैठते हैं तो जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा हाई रहता है और कंप्लीट बोनट पूरे लास्ट एज तक आपको दिखने वाला है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे
द महिंद्रा थार एक मेरी खुद की सबसे फेवरेट कार है, हमेशा से ही, बचपन से मेरे को ये कार काफी ज्यादा पसंद है। उसी के साथ ब्लैक कलर की जो थार है उसकी बात ही अलग है, और एक नया वेरिएंट, एक पूरा नया प्लेटफॉर्म पर इस कार को जो है लॉन्च किया गया है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 12.10 लाख रुपीज से लेकर 14.15 लाख रुपीज तक इस कार का जो है एक्सटेंड शोरूम प्राइस है, महिंद्रा थार का। प्राइस रेंज में ये टाटा सफारी से काफी ज्यादा कम है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं महिंद्रा थार की, तो एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल ये है। काफी बिग साइज के आपको जो इस कार में टायर देखने को मिल जाएंगे, काफी यूनिक डिजाइन आपको इसके अलॉय व्हील्स का मिलता है, वहीं काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, और काफी पावरफुल जो है महिंद्रा थार हमेशा से रही है और अब भी है। इसी के साथ जो इसकी पावर है वो 130 bhp है, और एक जो दूसरा इंजन है उसमें 150 bhp है। इसमें दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 2184 cc का और एक इंजन जो है 1997 cc का। तो पावर में जरूर ये टाटा सफारी से कम है, बट उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो है 4x4 है एक तो, और 4x4 होने के साथ साथ जो इसके ग्राउंड क्लियरेंस है उस चीज में ऑफ रोडिंग के मामले में जरूर महिंद्रा थार आगे है। टाटा सफारी प्रीमियमनेस में आगे है, और टाटा सफारी एक जो ऑफ रोडिंग महिंद्रा थार कर सकती है मेरे को नहीं लगता है कि वो टाटा सफारी कर पाएगी। बट ओवरऑल दोनों कार अच्छी हैं। 4x4 की बैजिंग आपको यहाँ पर महिंद्रा थार में देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ मैं आपको बताऊं तो महिंद्रा थार सिर्फ 4 सीटिंग कैपेसिटी की कार है। बॉडी टाइप जो महिंद्रा थार का है ये भी एक SUV कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती है। यहाँ पर आपको जो है थार की लिखा हुआ मिल जाएगा। उसी के साथ नीचे भी आपको लाइट देखने को मिल जाएगी इसमें, यहाँ पर बम्पर पर, और पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी महिंद्रा थार नीचे से आप देख पा रहे होंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस कार में मिलता है, और एक कंप्लीट मस्कुलर लुक जो है इस कार से आपको देख कर आने वाली है। काफी पावरफुल व्हीकल है, काफी स्ट्रांग है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है महिंद्रा थार की। और उसी के साथ अब ये कार जो है हार्ड टॉप के साथ भी आती है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और आप देख सकते हैं कि बूट में कुछ इतनी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी। 4 सीटिंग कैपेसिटी ये कार है, और इन सीट्स को भी आप जो है फोल्ड कर पाएंगे, यहाँ पर थार लिखा हुआ आपको मिल जाता है। अगर हम स्पेस वाइज बात करते हैं तो जरूर आपको टाटा सफारी में ज्यादा स्पेस मिलने वाली है। कंफर्ट भी मैं ये कहूंगा कि टाटा सफारी में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा सेगमेंट है वो अलग है, उसकी जो डिजाइन है वो अलग है, और जो महिंद्रा थार है स्पेशली इसको और कोई नहीं, ये सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही ज्यादातर जानी जाती है। कंफर्ट इसमें भी है, बट इन कंपेरिजन टू अगर हम टाटा सफारी करते हैं, दोनों ही हालांकि SUV है, बट थोड़ा सा आपको सफारी के अंदर ज्यादा ही मिलेगा। 57 लीटर का जो है आपको इस कार के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। 130 bhp की पावर जनरेट करती है, 3750 rpm पर, और यहाँ पर आपको थार लिखा हुआ मिल जाता है। और जो इसके डोर्स हैं इसमें आपको बोतल होल्डर देखने की मिल जाएगा। इंटीरियर काफी शानदार बनाया गया है इस बार महिंद्रा थार का, और प्राइस रेंज जो है वो जरूर आपको टाटा सफारी से कम मिलती है। बट आपको एक आप एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली जाना है, तो जरूर आप थार की तरफ जा सकते हैं। अपना अपना शौक है बाकी, और प्रीमियम ने हिसाब चाहते हैं कि मेरे को एक काफी ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट मिले, तो आप टाटा सफारी की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही कार्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, किसी भी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं ना कहीं जो महिंद्रा थार की लुक है वो एक अलग ही मेरे को लगती है। लुक वाइज मेरे को थार जैसी कार अभी तक नहीं लगी है, और कहीं ना कहीं आपको एक जीप रेंगलर से मैं कहूंगा कि मेरे को ये मिलती जुलती लगती है। उसी के साथ आपको काफी सारे माउंटेड कंट्रोल्स बटन मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पर। इंटीरियर वाइज अगर हम बात करते हैं तो उतनी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली है जितनी आपको टाटा सफारी में मिलेगी, और कुछ प्राइस रेंज का भी डिफरेंस है। कुछ ये एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए बनाई गई है, वो थोड़ी सी कंफर्टेबल भी ज्यादा है, बट स्पेस आपको थार में काफी अच्छी मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको थार का जो पूरा मॉडल नंबर है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये भी दिखने में काफी एक अच्छी चीज लगती है। एयर बैग का ऑप्शन इस बार महिंद्रा थार में भी दिया गया है, दो एयर बैग्स आपको इस कार के अंदर मिलने वाले हैं। 4x4 का ऑप्शन इस कार में आता है, और अगर आपको कार पसंद आई, आपको वीडियो पसंद आई, और आप चाहते हैं कि हम और किसी कार की वीडियो लाएं, तो प्लीज लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।